धन्यवाद श्री शमशेर सिंह होगी जी। भाई जनाब थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना मेरी है। आइए बीच में बोलना नहीं, अब 5-7 मिनट मैं भी बोल दूं। हाँ बोलो 5 मिनट बोलो। तो संयम रखना। हाँ बोलो। देखो मैं ना अभी सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों को आपने टाइम दिया, मेरे को भी दे दिया, और मैं उस पक्ष वालों को सुन रहा था। सारे पहले तो गाते हैं गीत भाई मुख्यमंत्री जी खुश हो जाए, फिर जाते जाते रोने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा भी कुछ उपलब्धियां सरकार की मैं भी गिना दूं, शायद मुख्यमंत्री जी खुश हो जाए। असंद को जिला बनाना था, कई दिनों से वादा कर रखा है, बनाया नहीं, शायद बना दें। वैसे सरकार इतनी अच्छी है, जब मैं पहले बजट सेशन में आया 2019 में MLA बन के, एक वेटरनरी हॉस्पिटल असंध में बनाने के लिए आ भरी थी, आश्वासन दिया था, कुछ थोड़े बहुत पैसे भी भेज दिए, बनया नहीं आज तक। उपलब्धि है ये। असंध में पिछले साल बजट में हॉस्पिटल पास कराया था, लोग तो बीमार हो ही रहे, दवाई लेने भी जाते हैं। आज तक उसका यही नहीं पता कि उसकी फाइल कहाँ है, अप्रूवल है, बस एक कागज सा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई, लॉलीपॉप दे दिया। तो इस तरह के काम सरकार करेगी तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। देखो अभी आज कह रहे थे कि 4 लाख की जो फसल बेचेगा, मंत्री जी आप भी सुन लेना, आपके भी 4 लाख की तो होती होगी, तो आपकी आमदनी 1,80,000 मान ली जाएगी। इतनी बड़ी उपलब्धि सरकार की कभी आज से पहले हुई नहीं। अगर इस हिसाब से आप जितनी फसल बिकती है इस रेशो से किसान को आप प्रॉफिट दे दो, बाकी सारे पैसे रख लो, 45% बनती है, फिर किसान को रोज धरने मारने की रोने की क्या जरूरत है, रोज जूता बज रहा है। 70,000 ठेका हो रहा है तो फिर तभी तो आप 45,000 ही दे रहे हो। अरे ठेके वालों को तो बचता ही नहीं कुछ, लीला राम किसानों के हक में बोलने नहीं, तेरी खाट खड़ी कर देंगे लोग, कोई नहीं बैठ जा, अब तेरा काम पूरा हो गया, 2-3 वादी। नहीं फिर ये तो ठीक है, जिसको 70,000 का ठेका मिल गया मिलेगा जनाब। और सुनो, एक हमारे बड़ा गांव है, 11,000 वोट है, उपलब्धि बता रहा हूं, वहां एक स्टेडियम के लिए 3 साल से मैं कह रहा हूं भाई ये स्टेडियम पास हो गया, इसकी 4 द्वारी होगी, बाकी का काम क्यों नहीं हो रहा है, कोई जवाब नहीं। अब की बार मैंने सवाल लगाया, सवेरे आज आया ही नहीं, नंबर ही नहीं आया। अब कह रहे हैं जी 50 लाख रुपये 2012 में आए थे, अगर 2012 में आपने नहीं बढ़ाया, कोई भी सरकार हो, तो उसकी कीमत आज कितनी बन गई, और पिछले 8-9 साल से तो आप ही हो उसमें। अब मंत्री जी ने आज आश्वासन दिया भी मैं बनवा दूंगा, चलो देख लेंगे, आगे भी सेशन आना है फिर देख लेंगे। और कहां कहां उपलब्धि हुई, एम्प्लॉयमेंट में हम, अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में हम 1 हो गए, कितनी बड़ी उपलब्धि है। आपने जो हरियाणा को दिया है हम उससे बहुत खुश हैं। नशा सिर चढ़ के बोल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर नशा शरेआम बिक रहा है और पुलिस बिकवा रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। बेटियों पे अत्याचार कितना बढ़ गया, अगर मैं नारे की बात करूंगा तो कईयों को तकलीफ हो जाएगी, सोचते हैं कि हमारा पेटेंट है इस नारे पे। लेकिन अभी हमारी कमेटी ने विजिट किया था कल्पना चावला में, एक राक्षस को तो हमने वहां, बहन जी बैठी हैं, उसका कल्याण कराया, अभी तक हटाया नहीं उसको, लेकिन हमने रिकमेंड किया कि उसको डिसमिस करो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अव्यवहार करता था। और क्राइम की लेवल क्या है, इंडेक्स देख लो, और लॉ एंड ऑर्डर तो इतना बढ़िया है कि यहां पे 14 तारीख को राष्ट्रपति कलर पुलिस को दिया जाता है करनाल में, और 16 तारीख को 2 भाई जीप में भिवानी में जला दिए जाते हैं, जबकि पुलिस भी देख लेती है उनको भी मरने वाले हैं, वो इलाज नहीं कराती, मरने वाले कौन है, अगर मैंने नाम दे दिया तो उधर से कई जड़े कहां कहां करके बोल पड़ेंगे, साहब को पता ही है कौन मार रहा है। ऐसे भाईचारा बनेगा या टूटेगा, अगर भाईचारा नहीं रहा है तो प्रदेश कैसे रहेगा।
महंगाई में हम नंबर वन है, अगर कहीं कमी हो तो बता दो। जब गेहूं बोने का टाइम आता है तो डीएपी खाद नहीं मिलती, और जब यूरिया की जरूरत होती है यूरिया नहीं मिलती। कहते हैं भी कंवरपाल जी सारे का सारा ही अपना नगर में ले गए, उड़ा एक इंडस्ट्री सी है पॉलीवुड क्या है वो, कहते जी उनको ज्यादा जरूरत थी इसलिए मंत्री जी की ज्यादा चलती है उधर चली गई। अपेक्स के अंदर खाद नहीं आती जानबूझ के प्राइवेट खरीदो, इतनी जल्दी क्या है जी। अभी तो मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी उपलब्धि, गौओं के नाम पे वोट मांग के गौओं की हत्या करने में कौन सबसे नंबर वन है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। हरियाणा नंबर वन है, यूपी है, कौन सी स्टेट है, मेरे ख्याल में हरियाणा ही नंबर वन आएगा। अभी अभी चारे की जगह जहर देके करनाल में 45 गौएं मार दी। ठीक है, धन्यवाद हो गया। और जनाब एक काम रह गया, किसान की आमदन दोगुनी हो चुकी है, उसमें अगर आपको किसी को हिस्सा देना हो तो आप चाहो तो मेरे को कह देना, मैं कह दूंगा किसान यूनियन वालों से थोड़े बहुत इन बीजेपी वालों को भी दे दो, बेचारे उन्होंने बहुत मेहनत करके हमारी आमदनी डबल करी है। बाकी की बातें कल जीरो आवर में दूंगा। ठीक है, धन्यवाद जी। श्री राजेश नागर जी।